शी इज कॉलिंग मी राइट नाउ। कुछ ऐसे मिला होगा क्योंकि पहले तो नहीं नॉर्मल और लास्ट में टट्टी जैसी आवाज निकाल के बोल के गई तो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आई जस्ट वोक अप एंड मैंने उठ के ब्रश कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है, अपना मॉर्निंग स्किन केयर कर लिया है। अभी तक बात नहीं ली है, आई थिंक मैं दिन में लूँगी, सुबह नहीं लेने वाली हूँ अभी, बिकॉज इट्स करंटली आई थिंक 9 एंड 10 बजे मेरा एग्जाम है, फॉर दैट रीज़न। तो अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ नीचे टू हैव माई कॉफ़ी एंड माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि फिर एग्ज़ाम साढ़े तीन घंटे चलेगा एंड तब तक मैं भूखी नहीं रह पाऊँगी, मेरे पेट से आवाज़ आने स्टार्ट हो जाएंगी। एंड ऑल्सो फिर थिंकिंग माई आईज़ आर लुकिंग पफी क्योंकि, और मेरा फेस भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली सो के उठती हूँ तो मेरे फेस पे स्वेलिंग होती है और मेरी आईज़ भी पफी होती है। सो आई विल गो एंड हैव माई ब्रेकफास्ट फर्स्ट। सो यस, फिर से जाके मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ, उसके बाद मैं मेरे एग्ज़ाम का सेटअप करूँगी और वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं मेरे एग्ज़ाम के लिए मतलब कैसे क्या लैपटॉप वगैरह रख के एंड ऑल दैट कैसे एग्ज़ाम देती हूँ। ओके, जनरली स्पीकिंग पहले मैं ब्रेड और बटर लगा के खाने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा कि फुल फ्लेश थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। मैं ले आई हूँ अपना हैवी सा ब्रेकफास्ट, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या खाने वाली हूँ। सो दिस इज़ वॉट माई प्लेट लुक्स लाइक। भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादा है क्योंकि मुझे ये पसंद है, मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, दैट्स व्हाई मैं इसको थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ। देन वी हैव टू रोटीज ओवर हेयर एंड सैलेड और लस्सी का पूरा एक ग्लास, दैट्स इट। थोड़ा सा हैवी हो जाएगा ये, तो मैं ये करने वाली हूँ एंड देन उसके बाद हम लोग लेट्स सी। एग्ज़ाम अभी बस 6 मिनट में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, सो मैं वो देने के बाद आप लोगों से मिलूंगी, सो तब तक के लिए बाय। हाय गाइस, सो एग्ज़ाम इज़ डन। उस दिन मैंने उस एग्ज़ाम के बाद मैं पढ़ने बैठी थी और सारा टाइम उसमें चला गया, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, तो वो दिन ख़त्म, उससे अगले दिन एग्ज़ाम था, वो दिन ख़त्म। सो आज फाइनली कोई एग्ज़ाम नहीं है। टुडे इज़ 13th ऑफ मैं, आज हम लोग वो चैलेंजेस वीडियो शूट करना स्टार्ट करूँगी मैं अब। सो हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस आए हैं। लेट मी टेक माय फोन विच इज़ ऑन चार्जिंग राइट नाउ, इसमें बैटरी नहीं है, मैं इसको यूज़ कर रही थी थोड़ी देर पहले। ऑल्सो इन माय हेयर, वेट, ये रहे सारे चैलेंजेस जो भी आए थे। तो अब इनमें से जो थोड़े सेंसिबल होंगे ना करने लायक, वो हम लोग करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कौन से हम लोग नहीं करेंगे। फर्स्ट है, दिस इज़ फ्रॉम स्मृति, ये मेरे साथ एमिटी में मेरी मेट्रो पार्टनर है। सो इसने बोला है लिविंग इन बाथरूम फॉर 24 आवर्स। एक्चुअली यहाँ पर जो मेरा बाथरूम है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, मे बी जब मैं शिफ्ट हो जाऊँगी ना आफ्टर दैट I think I will do this challenge. मैंने सोचे हैं बहुत सारे चैलेंज उस टाइम के लिए, सो हम लोग वो करेंगे बट लेकिन अभी नहीं। ओके, देन वी हैव दिस वन ब्रश मेकअप चैलेंज,
दिस इज़ फ्रॉम आस्था. आस्था आई विल डू दिस बट नॉट राइट नाउ बिकॉज आई वॉन्ट टू डू सम मोर फनी चैलेंजेस. ये मेकअप से रिलेटेड है तो मेकअप से रिलेटेड जो भी इसमें चैलेंजेस होंगे उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी बट नॉट दिस टाइम. देन वी हैव डांस ऑन भजन. दिस इज़ फ्रॉम सागर. डांस ऑन भजन, एक तो मेरे को वैसे ही बहुत सॉलिड डांस करना आता है और भजन पे तो मैं और भी सॉलिड कर दूंगी. इसको हम करेंगे बट लेकिन मेरे को उसके लिए मेरी दादी से भजन गाने के लिए बोलना पड़ेगा. करेंगे हम लोग ये वाला चैलेंज. ओके, वी हैव अ चैलेंज समथिंग ट्रेडिशनल लाइक इन साड़ी और विद सम डिवोशनल. साड़ी नहीं पहन सकती मैम क्योंकि अभी हम लोगों की शिफ्टिंग चल रही है एक्चुअली एंड हम लोगों ने मोस्टली सामान पैक कर दिया है. सो आप लोगों को उसके व्लॉग्स देखने को मिलेंगे बट अभी नहीं, वो जून में मैंने उनको शेड्यूल किया तो वो आप जून में देखोगे. बट साड़ी वगैरह सब कुछ उसमें. सो कोमल ने भी किया था VSR इन 30 seconds, तो ये भी नहीं हो पाएगा. ओके, सिंग योर स्कूल प्रेयर. दिस इज फ्रॉम कोमल. स्कूल की प्रेयर मेरे को याद भी नहीं है कौन से गाते थे हम लोग. हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. इस लाइन की ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता, जनगण मन आता है बट वो मैं ये नहीं गाऊंगी. सो या डन विद द फर्स्ट चैलेंज. देन वी हैव जोर से चिल्ला बाहर जाकर कि मुझे कोरोना हो गया है. यार मरवाएगी क्या. पहले ही हम मेरी फैमिली में लाइक हम लोगों को थोड़ा सा फीवर हो रहा था कुछ टाइम से. तो व्हाट यार कोमल, शिट, आई कांट डू दिस. प्रैंक करो घर वालों पर, नहीं कर सकती. बहुत गंदी डांट पड़ेगी अगर मैंने करने की कोशिश भी की तो. सॉलिड वाली डांट पड़ेगी. ओके, ड्रिंक लेमन जूस विदाउट शोइंग एनी एक्सप्रेशन. दिस इज़ फ्रॉम विजेता. एलिगेंट मिस आई थिंक उसी का ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, दिस आई कैन डू बिकॉज मेरे टेस्ट बर्ड्स कुछ टाइम से काम नहीं कर रहे थे एंड ना ही मेरा लाइक मुझे स्मेल आ रही है इसी चीज़ में से. सो लेट मी ट्राई बिकॉज अभी तो थोड़ा बहुत टेस्ट वापस आ गया तो मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी इसको. तो आई विल गो क्विकली एंड गेट सम लेमन और उसके बाद हम लोग इसको कर सकते हैं. बंद हो जा, खुल जा. हियर वी हैव आवर नींबू. सो अभी हम लोग करते हैं जमा दादी. अच्छा मैं इसको मुंह में रख के रखूं या ऐसे? This was easy. बट बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से अंदर गया. इट वॉज वेरी ईजी क्योंकि एज आई टोल्ड यू मेरे टेस्ट बड्स आर नॉट वर्किंग. तो मुझे बहुत हल्का सा खट्टा फील हुआ बट ज़्यादा नहीं. सो आई थिंक मैंने कर दिया. बाकी मुझे नहीं पता मैंने एक्सप्रेशन चेंज किए या नहीं किए. माई फोन. सो विजेता, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने ये पास हुई या फेल हुई मैं इसमें. देन प्रियम ने लिखा है गिफ्ट में लैम्बोर्गिनी. भाई टिक जा. इसमें लिखा है शो योर लास्ट टू डेज सर्च हिस्ट्री. इस वाले फोन दिखाऊँ, उस वाले फोन नहीं दिखाऊँ. पहले मैं इसकी दिखा देती हूँ. सर्च हिस्ट्री कहाँ पर आएगी? अच्छा ठीक है. ओके, हिस्ट्री. तो मैं क्या करूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊँ? एक सेकेंड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे होती है तेरे में? स्क्रीन रिकॉर्डिंग. अच्छा मैं कुछ डिलीट नहीं करी, मैं दिखा रही हूँ फिर बिल्कुल. स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन कैप्चरिंग और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये हमने क्रोम खोला और इसमें मेरा एमिटी का खुला होगा जैसे कि आप देख सकते हैं क्योंकि मेरे पास इसको सर्च करने के सिवा कुछ नहीं है.
देन ओके आज की हिस्ट्री है 13th May की. अमेजोन खुला है, अमेजोन एमिटी की साइट है जहाँ पे हम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. देन 11th May को भी सारा अमेजोन एंड देन साइन इन. तो लास्ट 2 डे बोला था बट लेकिन सी मैंने 8 मार्च तक के दिखा दिए, उससे नीचे भी कुछ नहीं है. जीमेल लॉग इन है. एक सेलिब्रिटी के बारे में मैंने सर्च किया यहाँ पे, विनेश के बारे में. देन नकुल मेहता, शेनू पारेख, ये पता नहीं मैं क्या. हाँ मैं एक्चुअली ये इश्कबाज नाम से एक सीरियल आता था, अगर आपको नहीं पता हो तो उसके बारे में सर्च कर रही थी. सो ये उस चीज़ की है. और इसके बाद मैं इस वाले फ़ोन की भी हिस्ट्री डाल दूँगी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ऑफकोर्स. तो अभी तो मैं क्योंकि शूट कर रही हूँ इसमें. सो सी कंप्लीटली आई थिंक टू मोर फटाफट से कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये वीडियो मुझे लंबी नहीं खींचनी है. और बाहर धूप भी, धूप नहीं क्या बोलते हैं वो ख़त्म होने वाला है रोशनी. ओके आस्क कोमल अबाउट पोस्टिंग एनी एम्बेरसिंग फोटो ऑफ हर ऑन इंस्टाग्राम एंड शो हर रिएक्शन. ओके इसके लिए मुझे उसे वीडियो कॉल करना पड़ेगा और मैं वो वीडियो कॉल उसके बाद में करूँगी और फिर वो इसमें इंसर्ट कर दूंगी. तो आप लोग देख लेना. मतलब मैं अपनी फोटो डाल के कोमल को बोलो कि वो मेरी फोटो डाले और फिर मैं रिएक्शन करूँ उसके ऊपर. ठीक है, मेरे को लगा ये होगा बट लेकिन यहाँ तो तू फंस गई. मैं तेरी गंदी फोटो डाल सकती हूँ, फिर तू रिएक्ट करियो उसके ऊपर, वीडियो कॉल करके बताइयो मेरे को. ठीक है, तुम्हें उससे ये उम्मीद नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों किया एंड जस्ट कट द कॉल. मरवाओगे क्या? ओके लेट मी कॉल. और तो क्या होगा, मुझे नहीं लगता वो फोन उठाएगी बट लेट मी कॉल हर. ओके सो हम कॉल कर रहे हैं अभी. सी आई एम कॉलिंग हर. हेलो, आपके कॉल मतलब आपने खुद की है या फिर गलती से लगी? मैंने किया यार, मैं गलती से क्यों लगाऊंगी. मेरे को ना तुम तो अभी तो थोड़ी देर पहले बात हुई थी. मेरे को तुमसे एक बात करनी है, बहुत सीरियस है. मैं मार दूंगी वो कॉल भैया को. नहीं लगा वो क्या तुम बोल रहे हो, तुम प्लान के लिए लेट नहीं हो रही? मेरी बात सुनो एक बार तुम. यार तुम ऐसा करोगी ना, मुझे सच में तुमसे उम्मीद नहीं थी और मतलब मेरे को नहीं लगता था तुम मेरे साथ ऐसा करोगी. एंड यार तुम बहुत गंदी हो. कॉल कट. आई डोंट नो वो कॉल करेगी, उसने सुना या नहीं सुना, आई डोंट नो क्या होगा. तो उसको पता है मैं ऐसे कभी बात नहीं करती हूँ. Let's move to the second one. क्या होगा? वो अभी नीचे है अपने भाई के साथ तो शायद इसीलिए उसने भी कॉल बैक नहीं किया, ऊपर जाके करेगी. ओके लेट्स वेट कि वो करे मैसेज बिकॉज आई रियली वांट टू सी. सी आया मैसेज, क्या हुआ? अब मुझे उसे बताना नहीं है, है ना. तो बाकी या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई नो इस पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था. यस शी इज कॉलिंग मी राइट नाउ. अभी उसकी मेरे पास 2 बार कॉल आ चुकी है उसमें की, तो मैं उसको इस वाले फोन नंबर से कॉल करती हूँ. लेट्स सी क्या हुआ बेबी.
हेलो, आपका डेयर था क्या? नहीं डेयर क्यों होगा, ऐसे डेयर आते हैं? तुम मुझे बताओ, तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला? क्या जो भी तुमने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तुमने इतना झूठ क्यों बोला मेरे से? क्या झूठ बोला मैंने? तुम बताओ तुमने क्या बात की मेरे से? अरे यार सॉरी यार, प्रैंक था, मैं रोक नहीं पा रही खुद को, मेरे को हंसी आ रही है। हाँ मैं भैया को ना नीचे यही बोल के आई थी, इसको कोई टेयर होगा या फिर कुछ ऐसे मिला होगा, क्योंकि पहले तो नहीं नॉर्मल और लास्ट में टट्टी जैसी आवाज निकाल के बोल के गई कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम्हें पता है ना मैं नहीं कर रही अभी कॉल, मेरे को हंसी आ जाएगी। फिर पापा ने बोला जा एक बार अकेले में बात कर ले, क्यों खराब कर रही है दोस्ती। यार मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम सबको जाके मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, और अभी तुमने जो भी बोला ना सारा रिकॉर्ड हुआ है बेटा, मैं अभी वीडियो ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। यार ठीक, इतनी गंदी आवाज आई होगी मेरी, जैसी है वैसी आएगी ना। और मैंने देखा मैसेज में लिखा था ना डेयर तो नहीं मिला आपको? मैंने वो वाला मैसेज पढ़ा ही नहीं जिसमें डेयर लिखा है, मैंने सिर्फ ये पढ़ा है अभी तक, क्या हुआ बेबी क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि मैंने सच में कुछ नहीं करा। अगर ऐसा होता ना कि मैंने कुछ छुपा होता या फिर तो तुम अकड़ में नहीं, फिर तो तुम अकड़ में मैसेज ही नहीं, कॉल ही नहीं करती, फिर तुम मैसेज करती। हाँ तो क्या हो गया अब आपको ऐसे? हाँ मैंने आपके पापा के फोर्स करने पे करा है, मैंने मैं नहीं कर रही अभी, ठीक है थोड़ी देर बात करूंगी। मैंने जस्ट अभी वीडियो में यही बात बोली थी, मैं कहा मेरे को भरोसा नहीं है उसका कॉल बैक आएगा। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें, पापा ने बोला नहीं कर ले, एक बार ऊपर जाके कर ले बात। पागल औरत। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो मैं बाद में, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, चलो बाय। हाँ हाँ मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है बाय। मुझे इसका पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, एंड पता है मैं प्रैंक कॉल्स एंड ऑल दैट बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, मेरी हंसी छूट जाती है आफ्टर फ्यू सेकंड्स। अभी भी मेरे पास कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था पकाने के लिए मैं क्या बोलूँ इसकी। सो या ओके, सो आई थिंक दिस दैट्स इट फॉर दिस वाला चैलेंज सेशन। उसके बाद जो दो तीन और चैलेंजेस आए, डू माई स्किन केयर इन रिवर्स मोड एंड ऑल दैट, वो मैं करूँगी बट सेपरेटली। तो या बोरिंग नहीं करना चाहती हूँ मैं इसे, और आप लोग थोड़े इंटरेस्टिंग चैलेंजेस पूछा करो यार। अभी आई थिंक कुछ दिन बाद मैं एक क्यू एन ए का भी डालूंगी, सो क्यू एन ए में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा, सो दैट आप लोगों को भी इंटरेस्ट आए उसको जवाब जानने में। जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी सीन करके मत छोड़ा करो, ऐसे कोई मैं पोस्ट डालती हूँ उसको। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, डू सो दैट प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दिस विल मीन द एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू मी। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये बहुत ज़्यादा स्पीड में था।